नाश्ते में छोले बना लो ना, तो साथ में पूड़ियाँ बना लो, भटूरे बना लो, कुलचे ले लो, ब्रेड ले लो, मज़ा आ जाता है। तो आज चिक्कड़ छोले बना रहे हैं, नाम चिक्कड़ छोले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए बना लेते हैं। क्या करना है, चने भिगो दीजिए 2-3 घंटे, फिर उबलने के लिए प्रेशर कुकर में डालिए। नमक और ये साथ में मिला रही हूँ आंवला पाउडर, जो बालों में लगाते हैं ना वही वाला, 2 चुटकी आंवला पाउडर डाल दीजिए, रंग अच्छा आता है, टेस्ट भी। और ये 2 कच्चे आलू मिला देते हैं बड़े साइज़ के, 2-3 टमाटर, और इन्हें हमने 2-3 सीटी तेज़ आंच पर दिलानी है। फिर इन्हें जब तक अच्छे से ना गल जाना, कम आँच पर पकाइए। फिर टमाटरों का छिलका आप ऐसे उठाएंगे ना तो आराम से बाहर आ जाएगा, और चने हमारे बहुत अच्छे से गल गए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये चने तैयार है। चलिए तड़का लगाते हैं, तेल में डालें थोड़ी जावित्री, मोटी इलायची, तेजपत्ता, लौंग, जीरा, अजवाइन, हींग, थोड़े लंबे कटे प्याज, हरी मिर्ची मिलाइए, अच्छे से ब्राउन कीजिए। फिर आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, लाल मिर्च, काला मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला मिलाइए और मिक्स कीजिए। और इसमें डाल दीजिए उबले हुए चने, अच्छे से मिक्स कीजिए। पानी की ज़रूरत है, पानी मिलाइए, 5-10 मिनट दम दीजिए, गर्मा गर्म परोसिए पूड़ी या कुलचे, मज़ा आ जाएगा।